हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम स्ट्रेट लाइन के जो हमारा चैप्टर है उसके डाउट्स को स्टडी कर रहे थे, उसमें से एक्सरसाइज वन एक्सरसाइज टू के डाउट्स कंप्लीट हो चुके थे। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज थ्री के जो डाउट्स कुछ पार्ट हुआ था, कुछ बचा था, वन से टेन तक सभी डाउट्स हो चुके थे। सो इलेवन से ट्वेंटी सेवन तक के डाउट्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलो देखो, प्रॉब्लम जो है, डाउट जो है वो आपके सामने बोर्ड पे है, वन बाय वन हम इसे स्टडी करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 13 सबसे पहले, तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 13। अ स्ट्रेट लाइंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फोर, थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एंड एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर, एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ये थ्री लाइन्स जो है ये क्या करती है, ट्रायंगल फॉर्म करती है। तो चलो देखो, ये है आपकी फर्स्ट लाइन, इस तरह से है ऐसा अस्यूम करेंगे, ये है आपकी सेकेंड लाइन, ये है आपकी थर्ड लाइन। तो इस तरह से लाइन वन, लाइन टू एंड लाइन थ्री आपको यहाँ पे मिल गई। तो ऑप्शन को अगर आप देखोगे, ऑप्शंस क्या है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड नन ऑफ दीज। तो अगर ये ट्रायंगल आइसोस्केल्स है तो क्या होगी, दो साइड सेम होंगी या फिर दो एंगल क्या होंगे, सेम। तो अगर ये इक्विलैटरल है तो तीनों साइड सेम होंगी एंड तीनों एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री। एंड अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ओके, यानी कि दो लाइंस क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। या फिर अगर ये तीनों नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस। तो आप यहां इसे वैरायटी ऑफ वेज से सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो, क्या फर्स्ट वे क्या है आपके लिए कि आप इसके स्लोप, इसका स्लोप एंड इसका स्लोप, तीनों के स्लोप फाइंड करो। अगर इसका स्लोप क्या आएगा, m1 इज इक्वल टू माइनस वन, इसका स्लोप क्या आएगा, m2 इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन वन, दैट इज माइनस थ्री, एंड इसका स्लोप क्या आएगा, दैट इज m3 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री। तो चलो देखो, m1 आ गया माइनस वन, m2 आ गया माइनस थ्री, m3 आ गया माइनस वन बाय थ्री। तो आप चलो ले लो, m1 इंटू m2 क्या आएगा, थ्री, m1 into m3 क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज वन अपॉन थ्री, एंड m2 into m3 क्या आएगा, माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस, दैट इज वन। सो m1 into m2, m2 into m3, m1 into m3, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो माइनस वन नहीं आता है, आपको अच्छे से पता है। अगर m1 into m2 इज इक्वल टू माइनस वन आता है तो ये दो लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल डेफिनेटली नहीं है। तो क्या करो, तो चलो ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, अच्छे से देखो, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो, एंड फर्स्ट लाइन एंड थर्ड लाइन, सॉरी सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन इनके बीच का एंगल फाइंड कर सकते हो। अगर तीनों एंगल सेम आ गए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर दो एंगल सेम आ गए तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, अगर तीनों एंगल डिफरेंट आ गए तो आपका ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि हमने चेक किया है ये राइट एंगल ट्रायंगल तो डेफिनेटली नहीं है। तो चलो देखो, फर्स्ट एंगल फाइंड करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच का, सो टेन ऑफ थीटा वन इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला तो अच्छे से पता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। सो m1 क्या है, माइनस वन, वैल्यू पुट करो, m1 है आपका माइनस वन, m2 क्या है, माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस थ्री अपॉन 1 प्लस माइनस वन इंटू माइनस थ्री, दैट इज थ्री। सो आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 2 बाई 4, दैट इज आपको क्या मिलेगा, 1 बाई 2। चलो फर्स्ट एंगल मिल गया, सेकेंड एंगल फाइंड करेंगे, tan थीटा 2, दैट इज फर्स्ट एंड थ्री के बीच में, सो m1 वन माइनस यम थ्री अपॉन 1 प्लस m1 वन इंटू यम थ्री। दो लाइन्स के बीच के एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो हम लाइन यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। पहले फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन के बीच का एंगल फाइंड किया, अब फर्स्ट एंड थर्ड लाइन के बीच का एंगल फाइंड करेंगे, सो m1 वन है आपका माइनस वन माइनस माइनस प्लस 1/3 अपॉन 1 प्लस m1 into m3 का प्रोडक्ट क्या है, 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे
देखो माइनस थ्री प्लस वन दैट इज माइनस टू अपॉन थ्री डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन दैट इज फोर बाय थ्री, थ्री थ्री कैंसिल हो गया, सो आपका आंसर क्या आ गया वन बाई टू, माइनस होगा लेकिन मॉड है तो यहाँ पे कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। तो अच्छे से देखो यहाँ पे अब क्या होगा, आपका दो जो एंगल है ये क्या आ गए सेम आ गए, तो आपका ट्रायंगल एक तो आइसोस्केल्स होगा या फिर इक्विलेटरल होगा। अगर थर्ड एंगल हम फाइंड करेंगे टैन ऑफ थीटा थ्री इज इक्वल टू यम टू प्लस यम थ्री अपॉन वन, सॉरी यम टू माइनस यम थ्री अपॉन वन प्लस यम वन यम टू यम थ्री, इस फॉर्मुलेशन का यूज करो। यहाँ पे एंगल फाइंड करेंगे यम टू क्या है आपका माइनस थ्री माइनस प्लस वन अपॉन थ्री डिवाइडेड बाय वन प्लस यम टू इंटू यम थ्री क्या है वन, सो माइनस नाइन प्लस वन दैट इज माइनस एट अपॉन थ्री डिवाइडेड बाय टू, तो आपको क्या मिलेगा मॉड ऑफ फोर मिलेगा, यानी कि ये जो टेन थीटा थ्री है ये टेन थीटा वन एंड टेन थीटा टू जितना नहीं आया। इसका मतलब दो एंगल सेम आएंगे एक एंगल डिफरेंट आएगा, तो ये जो आपका ट्रायंगल है ये क्या होगा आइसोस्केल्स ट्रायंगल होगा, यानी कि आपके थर्टीन का आंसर आएगा ए। सो प्रॉब्लम नंबर थर्टीन सॉल्व हो गया। एक और मेथड है आपके लिए, आप उसे भी ट्राई कर सकते हो। कैसे करोगे, आपके पास फर्स्ट लाइन है आपके पास सेकेंड लाइन है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। आपके पास फर्स्ट लाइन है आपके पास थर्ड लाइन है, आप ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हो। आपके पास सेकेंड लाइन है आपके पास थर्ड लाइन है, आप ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड कर सकते हो। जैसे आपका ये पॉइंट आ गया इसे हम ए बोलेंगे, एक्स वन वाई वन ए बोला, इस पॉइंट को हमने क्या बोला बी बोला, x2 y2, इसके बाद इस लाइन को क्या बोला c, x3 y3, इस तरह से आप क्या कर सकते हो कोऑर्डिनेट्स फाइंड भी कर सकते हो। तो जैसे आपने कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए, तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड होने के बाद आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो डिस्टेंस ए भी फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, इन थ्री डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। अगर तीनों डिस्टेंस सेम आ गए तो इक्विलेटरल, अगर दो डिस्टेंस सेम आ गए तो क्या होगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर किसी भी एक डिस्टेंस का स्क्वायर रिमेनिंग टू डिस्टेंस के स्क्वायर के सम जितना आ गया तो क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आपका फोर्थ ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। तो मैंने एक और वे आपको यहाँ पे बताया, अब आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उसका यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 14। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 14। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस पी क्यू आर एंड एस अपर स्क्वायर पी क्यू आर एस इंस्क्राइब इन द ट्राइंगल एबीसी, आपको ट्राइंगल एबीसी दिया है उसके बीच क्या है स्क्वायर पी क्यू आर एस इंस्क्राइब हुआ है ए बी सी, ये जो है ये ट्राइंगल है एंड पी क्यू आर एस जो है ये क्या है आपका स्क्वायर है। ओके ए दिया है आपको 00 पॉइंट ए 00, बी दिया है आपको क्या दिया है 30 एंड सी आपको दिया है 21। तो चलो देखो इसे प्लॉट करेंगे, ये आपका आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आ गया आपका ए 00, यहाँ पे कहीं पे 1 2 3, यहाँ पे आपका होगा बी 30 2 एंड 1, यहाँ पे आपका क्या होगा सी सी 21, तो ये आपका फाउंड हो गया ट्रायंगल एबीसी। तो चलो देखो बड़ी आसानी से आपका ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे फाउंड हो गया। अब इसके बीच इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्क्वायर पी क्यू आर एस इंस्क्राइब हुआ है, स्क्वायर पी क्यू आर एस जिसमें पी एंड क्यू ये दो पॉइंट्स है ए एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो चलो देखो इस तरह से हमने क्या किया यहाँ पे स्क्वायर इंस्क्राइब किया और उसमें पी जो पॉइंट है क्यू जो पॉइंट है ये कहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, सो पी क्यू ये डेफिनेटली आर होगा और ये यस होगा। अब की पी क्यू आर एस एक्स एक्सिस पे है सो पी के कोऑर्डिनेट्स हम क्या लेंगे एक्स वन जीरो, अब ये स्क्वायर है तो अगर ये स्क्वायर है तो इसकी साइड जो है वो हम क्या लेते हैं ए। सपोज अच्छे से देखो प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, सपोज साइड ऑफ स्क्वायर इज ए,
सो स्क्वायर की साइड हमने क्या ली ए, तो ये जो डिस्टेंस ए क्या होगा, ए क्यू कहाँ पे है, अच्छे से देखो क्यू कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे। सो ये डिस्टेंस हमने कितना लिया एक्स वन, ये डिस्टेंस अगर ए है तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स वन प्लस ए जीरो। ओके अब देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये जितना, क्योंकि ये पी क्यू आर एस क्या है स्क्वायर, जिसकी साइड लेंथ क्या है ये, सो ये डिस्टेंस ए है, सो आर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स वन प्लस ए एंड वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा ए। अब देखो ये डिस्टेंस एस का क्या है, ये डिस्टेंस ये है, सो एस वन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वन, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा ए। तो कोऑर्डिनेट्स लेना आपको अच्छे से पता है, और क्यों से देखो अगर ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस एक्स वन है, तो ये पूरा कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स वन प्लस ए जीरो, सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स ऐसे आ गए। ये डिस्टेंस क्या है ए जितना, सो आर का एंड क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा आर का ए। सिमिलरली P एंड S, P का जो x कोऑर्डिनेट है वही S का x कोऑर्डिनेट होगा, ये डिस्टेंस अगर A है तो S का y कोऑर्डिनेट क्या होगा A। इस तरह से हमने क्या किया PQ RS के कोऑर्डिनेट्स रैंडमली लिए। अब हमें क्या करना है PQ RS के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा x1 की वैल्यू क्या आती है ये फाइंड करना पड़ेगा एंड a की वैल्यू क्या आती है ये फाइंड करना पड़ेगा। जैसे ही हमने x1 एंड a की वैल्यूज को फाइंड किया हमें PQ RS चारों के कोऑर्डिनेट्स अपने आप पता चल जाएंगे। तो कैसे करेंगे, चलो देखो ये जो S पॉइंट है एंड ये C पॉइंट है, सो S जो है ए एस सी, ए क्या है कोलिनियर, इसका मतलब स्लोप ऑफ ए एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए एस सी ये जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स है। तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं आपको अच्छे से पता है, वाई टू माइनस वाई वन दैट इज ए माइनस जीरो अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन दैट इज वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज टू। सो हमें क्या मिला, ये यहाँ पे जाएगा, सो एक्स वन इज इक्वल टू टू ए, ऐसा फर्स्ट रिलेशन यहाँ पे हमें मिलेगा। अब देखो सेकेंडली हम क्या करेंगे, सिमिलरली देखो आर बी एंड सी, सो बी आर सी एक ही लाइन पे है, मतलब बी आर एंड सी तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। अगर कोलिनियर है तो स्लोप ऑफ बी आर इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो स्लोप ऑफ बी आर कैसे फाइंड करेंगे, वाई टू माइनस वाई वन दैट इज ए माइनस जीरो अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन दैट इज एक्स वन प्लस ए माइनस थ्री इज इक्वल टू BC का स्लोप y2 टू माइनस वाई वन दैट इज वन माइनस जीरो अपॉन टू माइनस थ्री दैट इज माइनस वन। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए इज इक्वल टू ये वन से मल्टीप्लाई करेंगे x1 वन प्लस ए माइनस थ्री, तो फिर चलो देखो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे आएगा माइनस टू ए, यहाँ आके माइनस होगा माइनस ए दैट इज माइनस टू ए इज इक्वल टू x1 वन माइनस थ्री, लेकिन x1 की वैल्यू क्या है टू ए, तो फिर ये वा आ जाएगा प्लस होगा, सो ये वा आएगा प्लस होगा, सो थ्री इज इक्वल टू एक्स वन की वैल्यू क्या है टू ए, टू ए वा आ जाके प्लस होगा प्लस टू ए इज इक्वल टू फोर ए, देयर फोर ए इज इक्वल टू थ्री बाय फोर, तो हमें ए की वैल्यू क्या मिलेगी थ्री बाय फोर। अब देखो ए की वैल्यू मिली थ्री बाय फोर, इसे यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स वन इज इक्वल टू टू इन टू थ्री बाय फोर, तो यहाँ पे क्या होगा टू, सो एक्स वन की वैल्यू क्या आएगी थ्री बाय टू। तो चलो देखो x1 की वैल्यू आ गई 3 बाई टू, ए की वैल्यू आ गई 3 बाई फोर, सभी यहाँ पे पुट करेंगे, सो x1 जीरो यानी कि p कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा 3 बाई टू जीरो, x1 यानी कि 3 बाई टू प्लस a, a क्या है 3 बाई फोर, तो यार 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे जीरो आएगा, सो 2 से मल्टीप्लाई किया 6 प्लस थ्री नाइन बाई फोर, सो ये आंसर आएगा 9 बाई फोर जीरो, q कोऑर्डिनेट्स मिला, सो यहाँ पे क्या आएगा 9 बाई फोर थ्री बाई फोर एंड यहाँ पे क्या आएगा 3 बाई टू थ्री बाई फोर। तो इस तरह से हमें क्या मिले पी क्यू आर एस के चारों के कोऑर्डिनेट्स बड़ी आसानी से पता चल गए, यहाँ पे चारों के कोऑर्डिनेट्स है। तो फिर यहाँ से आपका आंसर जो आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 14 जो है वो भी बड़ी आसानी से क्या हो गया सॉल्व हो गया। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 16। क्या है प्रॉब्लम नंबर 16, द नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू टू थ्री एंड फॉर्मिंग अ ट्रायंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज एरिया इज 12 स्क्वायर यूनिट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखो अच्छे से कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को।
आपको क्या दिया है 2, 3 ए पॉइंट दिया है, ओके तो आपको क्या करना है इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो है ये फाइंड करनी है। अगर 2, 3 से ए पॉइंट पास होती है तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से वो क्या बनाएगी, यहाँ पे बनाएगी एक्स इंटरसेप्ट एंड यहाँ पे बनाएगी वाई इंटरसेप्ट, और वो पास कहाँ से होती है 2, 3 से। तो चलो देखो, अगर लाइन 2, 3 से कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, अगर एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या बनाती है इंटरसेप्ट, सो ये पॉइंट होगा ए ए जीरो एंड ए पॉइंट होगा बी जीरो बी, ओके तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म्ड हो गया बाय द लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अच्छे से देखो सुनो, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ लाइन क्या करती है ट्रायंगल बनाती है, तो ट्रायंगल डेफिनेटली क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसकी लेंथ होगी ए एंड हाइट होगी बी, तो इसका एरिया एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए ओ बी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं 1/2 इनटू एक्स इंटरसेप्ट इनटू वाई इंटरसेप्ट, सो एक्स इंटरसेप्ट क्या है 1/2 ए इनटू बी, एरिया कितना दिया है आपको 12 स्क्वायर यूनिट। तो ये इंटरसेप्ट जो है ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्योंकि 2, 3 से पास होने वाली लाइन हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये आ गया आपका एक्स इंटरसेप्ट, ये आ गया आपका वाई इंटरसेप्ट, तो ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब ये यहाँ की मल्टीप्लाई होगा देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 24, ये प्लस और माइनस क्यों आ गया इसे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव जो हो सकता है बी भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, सो एरिया की वैल्यू जो है वो क्या है ए बी, अभी ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है बी भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, सो एरिया तो नेवर भी नेगेटिव, सो आंसर आएगा 24, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है इसलिए आंसर क्या आएगा प्लस और माइनस 24। अब देखो फर्स्ट आ गया, अब लाइन जो है आपको पता है डबल इंटरसेप्ट की जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ये जो लाइन है ये कहां से पास होती है 2, 3 से पास होती है, तो अगर लाइन 2, 3 से पास होती है तो ये लाइन 2, 3 से पास होगी, तो 2, 3 इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, सो एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू 3 अगर हम यहां पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, सो 2 अपॉन ए प्लस 3 अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इसे हम क्या बोलेंगे इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 हमें मिल गया, इक्वेशन 2 हमें मिल गया, अगर हम इसे सॉल्व करके ए एंड बी के पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड करोगे, पॉसिबल वैल्यूज अगर फाइंड करेंगे तो हमें ऐसे कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे 3 कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, मतलब ए बी के 3 कॉम्बिनेशंस, मतलब 2, 3 से पास होने वाली कितनी लाइंस मिलेंगी 3 लाइंस मिलेंगी। सो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आपको फाइंड करने हैं कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमको यहाँ पे मिलेंगे, तो ये आपके लिए लेफ्ट है, क्या करना है इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, ए बी की वैल्यू एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो सॉल्व करके देखो आपको कितनी वैल्यूज मिलेंगे 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, मतलब 2, 3 से पास होने वाली लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 12 स्क्वायर यूनिट का एरिया बनाती है ऐसी हमें कितनी लाइंस मिलेंगी 3 लाइंस मिलेंगी। इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 16 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 17, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करना चाहिए था, अच्छे से सॉल्व करते तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। प्रॉब्लम नंबर 17 देखो क्या है, पॉइंट ए एंड बी आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अच्छे से देखो क्या दिया है आपको 17 में, ए एंड बी ये कहां बिलोंग करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहां बिलोंग करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आगे देखो, चलो इफ स्लोप ऑफ ओ ए इज 1, आपको क्या दिया है स्लोप ऑफ ओ ए दिया है 1 एंड स्लोप ऑफ ओ बी दिया है 7, कोई बात नहीं, एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बहुत जरूरी बात दी है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यानी कि ये लेंथ क्या है सेम, देन द स्लोप ऑफ ए बी इज, तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कैसे आपको सिर्फ क्या करना है इसको एनालाइज करना है, ए लिया यहाँ पे बी लिया यहाँ पे, तो ये ओरिजिन आ गया OA, सो OA इसका स्लोप क्या है 1 यूनिट, OB इसका स्लोप क्या है 7 यूनिट, ओके ना, और ये फॉर्म हो गया आपका AB, आपको इसका स्लोप क्या करना है फाइंड करना है, सो स्लोप ऑफ AB जो है उसे हम क्या एश्यूम करेंगे m एश्यूम करेंगे।
तो अब क्या बताया है, OA इज इक्वल टू OB, ऐसा तो उन्होंने बताया है, यानी कि ट्रायंगल OAB ये क्या बना, ऑब्वियसली ये क्या बना, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, क्योंकि ए साइड एंड ए साइड सेम है, सो इसके अपोजिट का एंगल एंड इसके अपोजिट का एंगल क्या होगा, सेम। सो AB एंड OA के बीच का ये जो एंगल होगा, इसे अगर हम क्या बोलेंगे, थीटा 1, एंड OB एंड AB इसके बीच का जो एंगल होगा, इसे हम बोलेंगे थीटा 2, तो क्लियरली थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 होगा। तो दो लाइंस के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आपको अच्छे से पता है, आपके पास फॉर्मूलेशन है, टैन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, इस फॉर्मूलेशन का यूज करेंगे। यहाँ पे थीटा 1 के लिए, थीटा 1 के लिए m1 क्या होगा 1 एंड m2 क्या होगा m, ओके, एंड थीटा 2 के लिए m1 की वैल्यू क्या होगी 7 एंड m2 की वैल्यू क्या होगी m, ये दोनों, सो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 है, सो मॉड ऑफ थीटा 1 के लिए ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इज इक्वल टू, थीटा 2 के लिए ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे 7 माइनस m अपॉन 1 प्लस 7 m, अब तो कोई बात नहीं, यहां पे बड़ी आसानी से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सो अगर हमें क्या करना है, स्क्वेयरिंग करेंगे तो मॉड निकल जाएगा, सो 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m, अगर मॉड निकालना है तो सामने वाले पे क्या करना होगा, प्लस और माइनस का साइन देना होगा, सो 7 माइनस m अपॉन 1 प्लस 7 m, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस m इंटू 1 प्लस 7 m इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7 माइनस m इंटू 1 प्लस m, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1 इंटू 1 1 माइनस प्लस 7 m माइनस m प्लस माइनस 7 m स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7 इंटू 1 7 प्लस 7 m माइनस m माइनस m स्क्वेयर, अरेंज करेंगे, सो 1 7 माइनस 6 दैट इज प्लस 6 m माइनस 7 m स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 7 प्लस 6 m माइनस m स्क्वेयर। तो चलो देखो इसकी वैल्यू एक बार प्लस और एक बार माइनस लेनी होगी, तो यहां पे क्या मिलेगा, चलो देखो 1 प्लस 6 m माइनस 7 m स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस, प्लस लेंगे तो क्या मिलेगा 7 प्लस 6 m माइनस m स्क्वेयर, 6m क्या होगा कैंसल, ये यहाँ पे आएगा होगा प्लस, ये यहाँ पे आएगा होगा माइनस, 1 माइनस 7 दैट इज माइनस 6, माइनस 7 प्लस 1 दैट इज माइनस 6 m स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर माइनस 6 को कॉमन लिया, m स्क्वेयर माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो m स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1, ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी स्क्वेयर का, किसी भी नंबर का स्क्वेयर नेगेटिव नहीं आता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमें क्या लेनी होगी माइनस, सो 1 प्लस 6 m माइनस 7 m स्क्वेयर माइनस 7 प्लस 6 m माइनस m स्क्वेयर, माइनस की वजह से ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये क्या होगा प्लस, तो देखो क्या होगा 1 प्लस 6 m माइनस 7 m स्क्वेयर, ये आएगा माइनस m स्क्वेयर, ये आएगा प्लस 6 m, ये आएगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 7, सो 1 प्लस 7 दैट इज 8, 6 प्लस 6 प्लस 12 m एंड माइनस 7 माइनस m स्क्वेयर दैट इज माइनस 8 m स्क्वेयर, थ्रू आउट माइनस 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा आपको 4 m स्क्वेयर माइनस 6 m माइनस 4 इज इक्वल टू 0, फिर से 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा 2 m स्क्वेयर माइनस 3 m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो इसके फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, सो m की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, लेंगे तो क्या मिलेगा, चलो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8,
8 माइनस टू 6, 6 माइनस 6 0, सो m की वैल्यू 2 आएगी एंड m की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 आएगी, लेकिन 2 तो नहीं है, सो क्या आएगा आंसर, माइनस 1 बाई 2। तो चलो देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बड़ा सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो, इसे सॉल्व करने के बाद बड़ी आसानी से आपको क्या मिलेंगे, m की वैल्यूज मिलेंगे। तो m की वैल्यूज नीचे दिए हुए ऑप्शन से चेक करो, जो आंसर आपको मिलेगा तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्रॉब्लम नंबर 17 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। देखो कैसे सॉल्व किया, ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल से एंगल लिए, दो एंगल सेम लिए, दो एंगल्स का फॉर्मूला यूज किया, मॉड निकालने के लिए आपको पता है प्लस और माइनस लेते हैं या फिर स्क्वायर लेते हैं, इससे हमें दो चॉइसेस मिले। फर्स्ट चॉइस को हम नहीं ले सकते क्योंकि एम स्क्वायर क्या आ गया, माइनस वन, वो पॉसिबल नहीं है, तो हमने सेकेंड चॉइस को चूज किया। सेकेंड चॉइस से हमें एम के दो वैल्यूज मिलेंगे, उसमें से एक वैल्यू आपके ऑप्शन में प्रेजेंट होगी। तो किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल किया जाता है, इस थीम को भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 19। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 19। द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट सी डी, आपको क्या दिया है, सी डी ए पॉइंट दिया है, इस पॉइंट से लाइन क्या होती है, पास होती है। And parallel to the line AX plus BY plus C is equal to 0. And ये जो line है ये क्या है, AX plus BY plus C is equal to 0. इस line को line क्या है, parallel है, क्या है, parallel। तो मतलब हमारी जो line है इसका slope हम find करेंगे, क्या होगा slope, M is equal to minus A upon B। आपको अच्छे से पता है slope कैसे find किया जाता है, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन वाई कोऑर्डिनेट, इस तरह से हम स्लोप फाइंड करते हैं। अब हमारी जो लाइन है इसे पैरेलल है, इसका मतलब हमारे लाइन का स्लोप बी क्या आएगा, माइनस ए अपॉन बी, एंड हमारी जो लाइन है वो कहाँ से पास होती है, सीडी से। सो आपके पास स्लोप है, आपके पास पॉइंट है, तो आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज कर सकते हो, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन। सो वाई माइनस वाई वन क्या है, डी इज इक्वल टू एम क्या है, माइनस ए अपॉन बी इन टू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या आएगा, सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो बी इंटू वाई माइनस डी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी, यहाँ पे आ गया तो प्लस होगा, सो ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस बी इंटू वाई माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, ये आ गया आपके रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो कितना इजी, कितना सिंपल ये प्रॉब्लम था, आपको आसानी से सॉल्व करना आना चाहिए था, ये डाउट में आना ही नहीं चाहिए था। तो अच्छे से, बड़ी अच्छे से प्रॉब्लम को क्या करो, सॉल्व करो, नहीं तो जो भी आपका नुकसान होगा वो आपका ही होगा। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 20। देखो अच्छे से रीड करो क्या है, द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट दिया है आपको 8 माइनस 9, ये आपको क्या दिया है, पॉइंट दिया है, With respect to the line 2x plus 3y minus 4 is equal to 0 and 6x plus 9y plus 8 is equal to 0। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो, इसे अगर हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया, अगर इसे हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y प्लस 8 बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइंस को अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये दो लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। कैसी लाइंस है, पैरेलल लाइंस। तो इसके जो स्लोप से ये आ गई आपकी फर्स्ट लाइन और ये आ गई आपकी सेकेंड लाइन। ओके, इसका y इंटरसेप्ट क्या है, इस तरह से आएगी। तो इसका y इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, 8 बाई 9 का इसका क्या होगा, y इंटरसेप्ट, एंड यहां पे देखो इसका क्या होगा, माइनस 4 बाई 3 का y इंटरसेप्ट होगा। तो फिर ये जो दोनों लाइंस होगी, इसके स्लोप अगर आप फाइंड करोगे तो ये दोनों लाइंस जो है वो क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी। अब आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसकी पोजीशन बतानी है, क्या बतानी है, इसकी पोजीशन बतानी है। तो आपको पता है बड़ी अच्छे से कि किसी भी लाइन के लिए उसकी पोजीशन हम कैसे बताते हैं। अच्छे से देखो, अगर ए पॉइंट इस लाइन पे होगा तो क्या करेगा, लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
अब इस पॉइंट को हम यहां पे पुट करेंगे, सो 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ओके ना। तो अब x की वैल्यू 8, y की वैल्यू माइनस 9 यहां पुट करेंगे, सो 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 9 माइनस 4, सो 16 माइनस 27 माइनस 4, ये क्या आएगा, लेस देन 0। सो इस पॉइंट की वैल्यू इस लाइन में पुट किया तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 0। अब देखो सेम पॉइंट इस लाइन में भी पुट करेंगे तो क्या आएगा, चलो देखो इस लाइन में 6 इंटू 8 माइनस 9 इंटू 9 प्लस 8, सो क्या होगा 48 माइनस 81 प्लस 8 विच इज लेस देन 0। सो ये जो पॉइंट है इस लाइन में पुट किया तो भी वैल्यू लेस देन 0 आएगी, और ये जो पॉइंट है इस लाइन में भी पुट किया तो भी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0 आएगी। इसका मतलब क्या है अच्छे से समझो, ये जो पॉइंट है ये लाइन के ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर लाइन के ऊपर होता तो वैल्यू क्या आती, इज इक्वल टू 0, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इनमें से किसी भी लाइन पे नहीं है। सो ऑप्शन को देखो अच्छे से, पॉइंट लाइज ऑन वन ऑफ द लाइंस, पॉइंट लाइज ऑन, ओके, सो बी जो ऑप्शन है ये आपका क्या आएगा, रॉन्ग आएगा, क्योंकि पॉइंट किसी भी लाइन पे नहीं है। आगे देखो, चलो अब क्या होगा, ये जो है अब बड़ी सिंपल से ट्रिक से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, अच्छे से ध्यान दे कि x1 y1 ये आपका क्या है, पॉइंट है, और इसे आपने क्या किया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ई एक्स प्लस एफ वाई प्लस जी इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किया। अच्छे से देखो मैं क्या बोलता हूं, अब ये दो लाइंस तो पैरेलल है तो इसे भी ए लूंगा, इसे भी बी लूंगा, और यहाँ पे कुछ तो क्या लूंगा, डी लूंगा। सो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ए लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0 सेकेंड लाइन है, दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइंस है। अब कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, सो पी एक्स वन वाई वन यहां पुट किया तो हमें क्या मिलेगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, एंड एक्स वन वाई वन यहां पे पुट किया तो क्या मिलेगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस डी। अच्छे से देखो, अगर ये वैल्यू लेस देन 0 एंड ये वैल्यू भी लेस देन 0 आती है, सो ये जो पॉइंट है दोनों लाइन के एक ही साइड में है, देखो दोनों लाइन के एक ही साइड में है। अगर ये ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0 आता है तो भी पॉइंट दोनों लाइन के सेम साइड में है। अगर ये ए ग्रेटर देन 0 और ए लेस देन 0 आता, या फिर ये लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0 आता, तो जो पॉइंट है वो दो लाइन के बीच में आता। चलो देखो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया, अच्छे से देखो, अगर दो पैरेलल लाइन है उसमें हम क्या पुट करेंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू अगर 0 आती है तो लाइन जो पॉइंट है वो लाइन के ऊपर होगा। अगर वो वैल्यू लेस देन 0 आती है दोनों लाइंस के लिए, या फिर ग्रेटर देन 0 आती है दोनों लाइंस के लिए, तो जो पॉइंट है वो दोनों लाइन के सेम साइड में होगा। लेकिन वो पॉइंट की वैल्यू लाइन में पुट करने के बाद एक वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड दूसरी वैल्यू लेस देन 0 आती है, या फिर फर्स्ट वैल्यू लेस देन 0 दूसरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, तो फिर पॉइंट दोनों लाइन के बीच में होगा। बड़ा सिंपल है, अच्छे से देखो, ये आपकी पैरेलल लाइन से, अगर पॉइंट लाइन के ऊपर है तो वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर इन दोनों के लिए निगेटिव आया या फिर इन दोनों के लिए पॉजिटिव आया, तो पॉइंट एक तो यहां पे हो सकता है या फिर यहां पे हो सकता है। लेकिन ये पॉजिटिव आया इसके लिए निगेटिव आया, या फिर इसके लिए निगेटिव इसके लिए पॉजिटिव आया, तो पॉइंट दो लाइन के क्या होगा, बीच में होगा। इतना सिंपल है। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 20 जो है वो भी सॉल्व हो गया। सो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 22। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से दिमाग में डाल लो, बड़ा सिंपल था, आपको सॉल्व करना आना चाहिए था, लेकिन जो आइडियोलॉजी है उसे आप अच्छे से दिमाग में डाल लो तो अब इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर क्या है, 22 क्या है, द लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। आपको लाइन दी गई है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, विल डिवाइड क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द लाइंस। लाइंस दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y माइनस 2x इज इक्वल टू 8, 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 0 एंड 4y माइनस x इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो दो लाइंस है ये तो ओरिजिन से पास होगी, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव, इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो ये जो लाइन है ये कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो लाइन कुछ इस तरह
से होगी। चलो देखो, अब x प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, सो ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी कुछ इस तरह से, और ये जो लाइन है ये क्या होगी, चलो देखो, x अपॉन माइनस फोर प्लस वाई अपॉन एट इज इक्वल टू जीरो, सो x अपॉन माइनस फोर यहाँ पे आएगा, एट यहाँ पे आएगा, सो कुछ इस तरह की ये सेकेंड लाइन होगी। तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो कुछ इस तरह से क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। ये देखो आपका आ गया क्वाड्रिलेटरल। अब आपको क्या पूछा गया है, अच्छे से देखो क्वेश्चन को समझो, लाइन फर्स्ट, लाइन सेकेंड, लाइन थर्ड, लाइन फोर्थ। ये देखो ये आपकी लाइन थर्ड है, ये आपकी लाइन फोर्थ है, ये आपकी लाइन फर्स्ट है, ये आपकी लाइन सेकेंड है। तो इनको प्लॉट करने के बाद हमें यहाँ पे इस तरह से कुछ क्या मिलेंगे, कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। अब देखो ये जो लाइन है 3x plus 2y is equal to 6, इस क्वाड्रेंट को कैसे डिवाइड करती है ये हमें क्या करना है, देखना है। सो इसका जो y स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव होने के कारण इस लाइन का नेचर कैसा होगा, कुछ इस तरह से उसका नेचर होगा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। अगर स्लोप पॉजिटिव होता तो नेचर कुछ इस तरह का होता। तो फिर हमें क्या करना है, आप अच्छे से देखो, इसे अगर हम प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x अपॉन टू प्लस y अपॉन थ्री इज इक्वल टू वन। सो x अपॉन टू यहाँ पे आएगा, y अपॉन थ्री मतलब यहाँ पे आएगा, सो आपकी जो लाइन है वो कुछ इस तरह से क्या होगी, पास होगी। ओके, तो ये जो लाइन है इसकी वजह से क्या हो गए, ऐसे आपके ये जो है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है और यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो जैसे आप लाइन को अच्छे से प्लॉट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो लाइन है 3x plus 2y is equal to 6, ये क्या करती है, इन चारों लाइन से फॉर्म होने वाले क्वाड्रिलेटरल के दो पार्ट करती है। सो कितने क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे यहाँ पे, सो टोटल दो क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे। तो आपके 22 का जो आंसर है वो क्या होगा, ए, टू क्वाड्रिलेटरल्स। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 22 जो है वो भी सॉल्व हो गया।